तो लिस्ट बॉक्स ऑटोमेशंस की जो हमने वीडियो भेजी थी उसी वीडियो के डिपेंड पे हम कुछ सैंपल आपको बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने लिस्ट बॉक्स में टेबल दिया, यहाँ पे हमने लिखा सेलेक्ट मंथ। सेलेक्ट मंथ और यहाँ पे हमने लिस्ट बॉक्स लिया और यहाँ पे डाल दिया। और उसके बाद यहाँ हम देते हैं सिलेक्ट सिटी, सिलेक्ट सीज। सिलेक्ट सी और यहाँ भी हम लिस्ट बॉक्स डाल देते हैं और फिर एक बटन देते हैं जो कि कॉपी करेगा। और यूजर फॉर्म का जो टाइटल यूजर फॉर्म वन आ रहा है उसके देते हैं कॉपी, कॉपी डेटा बाय मंथ। तो मेरे पास यहाँ सीट के अंदर में डेटा है, मैं चाहता हूँ कि मैं यूजर फॉर्म पे अपना मंथ सेलेक्ट करूँ और फिर जिस सीट पे डेटा का कॉपी पेस्ट करना है वो सीट सेलेक्ट करूँ और डेटा यहाँ से फिल्टर करके कॉपी करके पेस्ट हो जाए, राइट? समझ गया क्या करना है हमें? तो सबसे पहले जब इसको हम प्ले करें तो यहाँ पे मंथ का लिस्ट और यहाँ पे इसके अंदर जितने भी सीट्स हैं उनका लिस्ट दिखना चाहिए, सबसे पहला काम ये। ठीक है, तो उसके लिए हम फॉर्म इनिशियलाइज में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे मी डॉट लिस्ट बॉक्स वन डॉट एड आइटम। और यहाँ पे हम दे देते हैं जैन। अब मुझे 12 बार लिखना है तो मैं यहाँ पे लूप लगा देता हूँ कि 4i = चले 1 to 12 और यहाँ पे मंथ नेम और यहाँ पे हम दे देते हैं आई और यहाँ पे और नहीं शॉर्ट ही होता है, फॉल्स करते हैं और फिर नेक्स्ट आई, फिर नीचे करते हैं कि 4i = चले 2 to sheets.com और मी डॉट लिस्ट बॉक्स 2 डॉट एड आइटम और यहां पे हो जाएगा शीट्स और आई डॉट मी और फिर यहां पे करते हैं नेक्स्ट आई। अब जैसे मैं इसको माफ कीजिएगा, एक हमने कोड तो सही लिखा है लेकिन गलत इवेंट सेलेक्ट कर लिया, हमें यहां इनिशियलाइज को सेलेक्ट करना चाहिए। तो इनिशियलाइज हमने ले लिया, जैसे इसको हम प्ले करते हैं देखिए अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, जनवरी फरवरी पूरा आया है बट हमारे डेटा में जैन का है और यहाँ पे देखिए शीट का नेम लिस्ट आ गया। सबसे पहले बात की हम थोड़ा सा लिस्ट बॉक्स को थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, इसको भी थोड़ा सा बड़ा करते हैं और इस स्लाइड में जहां हमने फॉल्स लगाया है गलत लगा दिए, यहाँ पे ट्रू लगाएंगे शॉर्ट मंथ नेम के लिए। तो इससे क्या होगा, मंथ नेम क्या करेगा, अब शॉर्ट मंथ नेम दिखाएगा, शॉर्ट मंथ नेम। ठीक है,
क्वेश्चन ये है कि अगर मैंने जैन सेलेक्ट किया और मैंने C5 सेलेक्ट किया, मैं कॉपी पे क्लिक करूं तो इसमें से फिल्टर करे और जैन का डेटा C5 पे कॉपी पेस्ट कर दे, क्लियर है? तो फिल्टर के कोड क्या होता है, कॉपी करने के कोड क्या होता है, तो इसकी रिकॉर्डिंग करके मैं कोड ले लेता हूं। कंट्रोल जी स्पेशल विजुअल सेल्स ओनली कॉपी एंड C2 पे क्या पेस्ट। अब इसकी कोड में देखता हूं मॉड्यूल्स में जाके क्या कोड यहाँ पे हमें A1 डॉट्स यहाँ पे A1 सिलेक्शन फिल्टर का ये यहाँ A1 से फिल्टर हो जाएगा सिलेक्शन डॉट कॉपी स्पेशल कॉपी C2 पे गया एक्टिव सीट तो सही है। अब इसी कोड को मैं कट करता हूँ और यहाँ कॉपी पे आता हूँ और इस पे पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे जो अप्रैल है, अप्रैल की जगह पे हो जाएगा मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1 डॉट वैल और C2 डॉट सेलेक्ट जो किया है इसके जगह पे हो जाएगा मी डॉट लिस्ट बॉक्स 2 डॉट वैल। ठीक है, अब मैं एक बार ट्राई करता हूँ और फिर मुझे वापस यहाँ पे एक्टिव शीट के जगह पे मैं C1 कर देता हूँ तो फिक्स हो जाएगा। नहीं, एक्टिव शीट सारे में एक्टिव शीट के जगह पे C1 करना पड़ेगा, शीट शीट्स और यहाँ पे हम देंगे C1 और जहां जहां रेंज है ना सब पे देना पड़ेगा। हमें C1 को यहाँ एक्टिव करना पड़ेगा। अब चलिए अब इस C1 पे जाते हैं, अब इसको रन करते हैं। मैंने यहाँ पे जनवरी सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने C4 सेलेक्ट कर लिया, कॉपी। ये वर्क कहाँ पे आ रहा है, वो हाँ एक्टिवेट होगा, एक्टिव नहीं होगा, माफ कीजिएगा। कॉपी हो गया। अब मैं बोलता हूं कि शीट इसमें अप्रैल का डेटा C3 पे पेस्ट करें एंड कॉपी, C3 पे चला गया। मई का डेटा C5 पे पेस्ट करें, कॉपी, पेस्ट हो गया। तो एक कुछ समझ में आया आप लोगों को विदाउट इसमें? सर रिपीट करना इसको। हमने सबसे पहले क्या किया, आपने लिस्ट दो लिस्ट बॉक्स यूजर फॉर्म के अंदर पे दो लिस्ट बॉक्स हमने डिफाइन किए, राइट? पहले लिस्ट बॉक्स में मैंने आइटम जो ऐड किया वो मंथ का ऐड किया, मैंने स्लाइड में जाके, ताकि एक से लेकर जनवरी से लेकर दिसंबर तक का मंथ ऐड हो जाए। इसके लिए हमने लूप इस्तेमाल किया और मंथ नेम का फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जो कि नंबर को कन्वर्ट करता है मंथ नेम में। दूसरा यहाँ पे है लूप आपका, हमने लूप लगाया कि जितने भी सीट नेम हो सीट नेम आ जाए। और मैं चाहता हूँ कि जो जो सीट और जो मंथ सेलेक्ट करूँ उसकी फिल्टर हमें लग जाए दूसरे सीट पे। तो पहले सीट को सिलेक्ट करते हैं, फिल्टर लगाते हैं और फिल्टर में जो क्राइटेरिया रखते हैं वो क्राइटेरिया रखते हैं हम इसकी
लिस्ट बॉक्स नी इसकी वैल्यू की, फिर रेंज हम इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्शन हमने पूरा डेटा को सिलेक्ट किया, फिर हमने विजुअल सेल्स ओनली किया, फिर इसको कॉपी किया। अब लिस्ट बॉक्स टू पे जो हमने सीड सेलेक्ट कर रखा है उस एरिया पे आया और हमने इसको पेस्ट किया, एस्केप मार के कॉपी को डिसेबल किया, सिंपल है, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं कि मुझे अगर मोर देन वन सीट्स पे अगर करना हो तो कैसे करेंगे, मोर देन वन कंडीशन। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे अप्रैल अगस्त और दिसंबर तीन ले रखा है, तो इसकी कोडिंग फिल्ट्रेशन में क्या बनेगी, एक बार मॉड्यूल्स मिलाकर देखते हैं। यहाँ एरे देना होता है कि एरे अप्रैल अगस्त एंड दिसंबर, चलो सही है। अब मैं बात कर रहा हूं कि अभी जब लिस्ट बॉक्स में ओपन करते हैं तो इसमें सिर्फ एक ही वैल्यू सिलेक्ट कर रहे हैं। मान लीजिए मुझे अप्रैल दिसंबर अगस्त ऐसे कई सारे सीट को सिलेक्ट, कई सारे कंडीशन सिलेक्ट करने हो तो क्या करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले लिस्ट बॉक्स को सलाम, ये अभी बात कर रहा हूं मैं मल्टी सिलेक्शन की, लिस्ट बॉक्स के अंदर मल्टी सिलेक्शन। तो लिस्ट बॉक्स को सिलेक्ट कीजिए और यहां पे आपके पास नीचे आएगा मल्टी सिलेक्शन, इसमें तीन चीजें, अगर हमने वन किया तो इससे क्या होगा कि मैं इसमें देखिए इसको अगर बड़ा करूं तो यहां पे मल्टी सीट सिलेक्ट, अगर ऐसा हमने सिलेक्ट कर लिया तो क्या होगा कि मैं इस पे एक से ज्यादा वन बाय वन सेलेक्ट कर सकता, राइट। और दूसरा अगर मैं मल्टी इस पे मल्टी सिलेक्ट पे गया, और तीसरा जो हमारा है मल्टी सिलेक्ट पे उस सिलेक्ट कर दिया जो कि होता है एक्सटेंडेड। अब ये क्या करता है, ये भी मल्टी सेल सिलेक्ट होता है लेकिन ये एक्सटेंड हो जाता है कि जैन के बाद अगर मैंने मई पे क्लिक किया तो जन से लेके मई तक सिलेक्ट हो जाएगा शिफ्ट के साथ, हमें शिफ्ट के साथ क्लिक करना पड़ेगा कंटिन्यूस। तो यहां पे हम एक्सपेंडेड ना करके मल्टी लिख देते हैं, सीधे मल्टी सिलेक्ट, मल्टी सिलेक्ट इस तरह से हो गया। अब इसमें एक चीज और आता है कि अब इसकी जो स्टाइल होती है कि इसमें एक ये होता है लिस्ट स्टाइल, अभी प्लेन है, मैं लिस्ट स्टाइल ऑप्शन सेलेक्ट कर दूं तो इससे बेटर, इससे क्या बेनिफिट होगा, इससे बेनिफिट होगा कि यहां पे देखिएगा चेक बॉक्स बना हुआ आ जाएगा, चेक बॉक्स बना हुआ आ गया। अब एक से ज्यादा यहां पे सिलेक्शन कर सकते हैं, क्लियर है। ये तो बात होगी सिलेक्शन करने की, सर ये वर्क कैसे करेगा फिर। हाँ वही तो बोल रहा हूँ कि अभी तो सिलेक्शन करेगा कि एक सेल सेलेक्ट करोगे तो वैल्यू जैन कर देगा, लेकिन एक ज्यादा सेलेक्ट करोगे तो इसकी वैल्यू रिटर्न नहीं कर पाएगा। इसकी वैल्यू को रिटर्न करने के लिए क्या करेंगे, चलिए बताते हैं आपको। तो उसके लिए हमें यहाँ पे लूप का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा लूप का। मैं कॉपी, इस कॉपी पे कोडिंग नहीं करता हूँ क्योंकि आपकी कोडिंग डिसेबल हो जाएगी, मैं यहाँ पे कॉपी टू ले लेता हूँ, कॉपी मल्टी, कॉपी एम यू एल टी आई मल्टी, इस पे करता हूं। अब इस पे कोड क्या होगा, इस कोड देखिए, इसमें लूप लगाना पड़ेगा कि फोर I इक्वल टू चले वन यहां जीरो टू, क्योंकि लिस्ट जो है जीरो से काउंट करता है, जीरो टू मी डॉट लिस्ट बॉक्स वन डॉट लिस्ट काउंट माइनस वन, क्यों, क्योंकि हमने काउंटिंग जीरो से किया है ना, जीरो से लिया यहां पे, इसलिए ऐसा हुआ। इस पर कंडीशन होगा कि इफ me dot if me dot list box one
डॉट सिलेक्टेड, और यहां पे मैं दूंगा आई, यहां पे एक नंबर देना होता है 0 1 2 3 इस तरह से, देन ए इक्वल टू ए के साथ, ए के साथ कंबाइन हो जाए कॉमा में, एन परसेंट मी डॉट लिस्ट बॉक्स वन डॉट लिस्ट, और यहां पे हम देते हैं आई, और फिर नेक्स्ट आई। तो ये क्या करेगा, जितना हम सिलेक्टेड रखेंगे उतना वो लिस्ट पे क्लिक कर देगा। अब मैं यहां पे ये करना चाह रहा हूं कि एक्टिव सीट को फिल्टर करना चाह रहा हूं, ये जो एरे फिल्टर है ये एरे फिल्टर इस्तेमाल करना चाह रहा हूं, लेकिन मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि ये काम करेगा। देखते हैं, ट्राई करते हैं। अच्छा, हमने इफ को खत्म नहीं किया, एंड इफ हाँ वर्क कर रहा है, लेकिन कॉप फिल्टर कुछ भी नहीं कर रहा है। मतलब कि जो यहां एरे में दिख रहा है इन्वर्टेड कॉमा में से कॉमा कॉमा करके लिया है, ऐसे ही कॉमा कॉमा करके लेगा, बट मैं इस तरह से कॉमा कॉमा नहीं डाल सकता हूं क्योंकि हो सकता है मेरे पास काफी ज्यादा हो। तो दूसरा हम एरे डिफाइन कर देते हैं कि डिम ए 1 to 1 कॉमा, कॉलम में हमने बोल दिया 1 2, हमने 10 कर दिया था 12, और यहां पे हम कर देते हैं कि ए के साथ i+1। इसको कॉन्कैटनेट करने की जरूरत नहीं है, क्या अब फिल्टर करेगा? मैं ट्राई कर रहा हूं, इससे पहले इस एरे वाले फंक्शन को अप्लाई नहीं किया मैंने, तो मैं आपके साथ ही इसको ट्राई कर रहा हूं। तो मैंने यहां पे जैन फैर और यहां पे ओके, मैं तो ये चीज यहां पे दिया ही नहीं कर सर, हाँ दे दिया मैंने, जैन फैब मार्च, पर किस सीट में लेना, तो वो सीट कॉपी नहीं करा ना वहां पे, नहीं नहीं यहाँ पे वन देना भूल गया, रो एंड कॉलम दोनों है ना, परफॉर्म कर गया। अच्छा, उतने को उसने फिल्टर कर दिया। हाँ। तो बेसिकली क्या है कि हमने यहाँ एरे लिया 1 to 1, रो 1 लिया और हमने कॉलम में 12 दे दिया, राइट? या ज्यादा भी दे सकते हैं, मैंने 12 इसलिए दिया कि मैक्सिमम 12 ही है, इसे मैं 12 दे दिया, हो सकता है आपके पास ज्यादा हो तो ज्यादा दीजिए। और फिर मैं एक एक करके रो, एक रो में हमने एरे कर लिया, मतलब कि हमने एरे, ये जो हमने डिफाइन किया हुआ है वेरिएबल्स, उसको मैंने क्या किया, एक रो एंड हमने बोल दिया क्या बोल रहे हैं 12 कॉलम, ठीक है,
इस तरह से। तो ये हमारा जो है ए, ये हमारा ए है, ये हमारा वन टू थ्री एंड फोर, ऐसे हमारा 12 तक गया हुआ। ए यहाँ ए वन कॉमा आई प्लस वन, आई प्लस वन इसलिए किया क्योंकि आई यहाँ 0 से है और मैंने यहाँ वन से डिफाइन किया हुआ, इसलिए प्लस वन करना जरूरी है। तो वन पहली वैल्यू से जैन है, तो एक जैन यहाँ डालेगा, ठीक है, फाइव यहाँ डालेगा, मार्ज यहाँ डालेगा, इस तरह से बैकन में रखेगा एरे फॉर्मेट में। और मैं यहाँ पे हमने ए डाल दिया क्योंकि एरे फॉर्मेट में चाहिए। तो अब डिजाइन आता है कि हमने कॉलन ही क्यों लिया, हमने रो क्यों नहीं लिया, हम रो भी तो ले सकते थे। इसलिए कि जब मैं मैक्रो रिकॉर्ड किया तो देखा कि अप्रैल मई जून जुलाई जो है आपका है कॉमा का सेग्रीगेशन। आपको याद होगा जब मैंने आपको एरे फॉर्मूला पढ़ाया था तो मैंने बोला था कि अगर मुझे कर्ली ब्रैकेट में वन कॉमा टू कॉमा थ्री कॉमा फोर करते हैं तो कॉलम वाइज सेग्रीगेट करता है, राइट, याद है। अगर मुझे रो वाइज करना है तो यहां पे मैं वन सेमी कॉलन टू सेमी कॉलन थ्री सेमी कॉलन फोर सेमी कॉलन लूंगा, ये रो वाइज सेग्रीगेट करता है। तो जब मैं रिकॉर्डिंग माइक्रो में देखा कि यहाँ पे कॉमा है, मैं समझ गया कि इसको कॉलन वाइज देना चाहिए ना कि रो वाइज। इसलिए हमने अपने इस मल्टीक्रीज में सिलेक्शन में हमने यहाँ पे एरे डिफाइन किया, जिसमें एक रो डिफाइन किया और यहाँ पे हमने 12 कॉलम डिफाइन किए, और फिर एक एक करके डेटा स्टोर करता चला गया जो लिस्ट बॉक्स में सिलेक्टेड, और फिर उसको हमने फिल्टर के एरे फॉर्मेट में दे दिया। अगर ये ये सर परफॉर्म, बारह ये बताइए क्या बोल रहे हैं। 12 मंथ का नाम है, नंबर है क्या हाँ, मंथ जेंट का का? नंबर है आपके पास, डेटा अगर ज्यादा है तो आप यहाँ पे 500 भी दे दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसमें आपने दो चीज सीखा, मल्टी सीट सिलेक्शन, मल्टी सिलेक्शन इन द इसके अंदर कि आप जब लिस्ट बॉक्स इस्तेमाल करते हैं उसमें मल्टी सिलेक्शन कैसे होता है, ये आपने सीखा। और दूसरा पिवट इसमें फिल्टर के अंदर में आप एरे कैसे इस्तेमाल करोगे वो आपने सीखा। अब फिल्टर लग हेलो चुका है तो कॉपी पेस्ट कराने के लिए बाकी जो कोड है वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। भाई, आप बड़े लोग बिजी लोग, भाई का रिप्लाई नहीं आ रहा समझ है, क्या गए। करें। कोई डाउट इसमें, अब चलिए अब एक और चीज यहां पे हम बता रहे हैं, एक और यूजर फॉर्म बनाते हैं। आई थिंक इसके बारे में फरहान जी ने मुझसे बात की थी, और मैं यहां पे, और ये हमें एक्सेल में बहुत सारी जगहों पे मिल जाता है, जैसे कि मैं यहां पे लिखता हूं मंथ, और यहां पे हम लिस्ट बॉक्स लगा लेते हैं, और यहां पे हमारा होता है चूज मंथ। इसका एक पार्ट मैं बताऊंगा, दूसरा पार्ट आपको करना है, इसे ध्यान से देखिएगा। तो इसमें मैं लिस्ट बॉक्स लगा दिया, बटन कुछ दिमाग में आया। आप जब बहुत सारे जगहों पे देखे होंगे ऐसा, जैसे मान लीजिए कि हम कस्टमाइज रिबन में ही जाते हैं, कस्टमाइज रिबन, ये भी एक तरह का इनपुट बॉक्स ही है ना। अब हम इसको सिलेक्ट करते हैं और ऐड करते हैं तो ये इसमें शो करता है ना। तो मुझे कुछ ऐसा ही बनाना है कि यूजर फॉर्म में कि जब मैं इसके जो सिलेक्ट करके ऐड करूं तो इसमें आ जाए, ठीक है।
तो इस पे अब हम इस पर सबसे पहले तो मैं मंथ यहाँ पे करता हूँ, तो इसके लिए वही कि फोर आई इक्वल टू चले 1 to 12 और मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1 डॉट एड आइटम, और यहाँ पे आ जाएगा मंथ नेम, और यहाँ पे हम दे देंगे आई, यहाँ पे दे देंगे ट्रू और फिर नेक्स्ट आई। अब उसके बाद हम यहाँ बटन्स पे करते हैं कोड। सबसे पहले तो अगर मान लो किसी ने एक भी सिलेक्ट नहीं किया है, तो यहाँ पे देंगे कि इफ मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1 डॉट लिस्ट इंडेक्स इक्वल टू -1 देन एग्जिट सब। क्या होता है एग्जिट सॉरी, हाँ ये क्या होता है, लिस्ट इंडेक्स क्या होता है कि अगर इसमें एक भी लिस्ट नहीं है तो वर्क ही नहीं करेगा, या एक भी सिलेक्टेड नहीं है तो वर्क नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद यहां पे हम कर रहे हैं कि फोर आई इक्वल टू 0 to चले मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1 डॉट लिस्ट काउंट -1। ये बताता है कि कितने टोटल नंबर ऑफ बंदे ये है। फिर लिखता हूं इफ मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू मी डॉट लिस्ट बॉक्स 2 डॉट वैल्यू, और यहां पे हमने आई कर दिया। ये डुप्लीकेट चेक कर रहा है कि पहले से वैल्यू है कि नहीं है। बीप का आवाज आए और एग्जिट सब हो जाए। एंड इफ, और यार नेक्स्ट आई चलेगा। उसके बाद यहां बोलते हैं कि ले यहां पे मी डॉट लिस्ट बॉक्स 2 डॉट एड आइटम इक्वल टू मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1 डॉट वैल्यू। समझे, क्लियर है? अब इसको प्ले करता हूं, देखिए 1 मिनट, ये मंथ को नहीं है। अच्छा हाँ, यूजर फॉर्म क्लिक पे कर दिया, फिर गलती कर दी हमने। अब जैसे हमने इसको प्ले किया, इसको सेलेक्ट किया डिबग, अरे क्या किया आपने? 1 मिनट रुक जाइए। लिस्ट बॉक्स 1 डॉट वैल्यू इक्वल टू लिस्ट बॉक्स, अच्छा, वैल्यू की जगह पे लिस्ट होगा, गलत कर लिया, वैल्यू तो एक के लिए होता है ना। अब याद आ समझ में आपको, अब ये लोग कहाँ पर आगे, ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड, ओ ओ
एरर क्यों दे रहा है? एक बार तो आ गया। अच्छा ऐड कर दी, जनवरी आ गया। अब मैं इसको मार्च को ऐड कर रहा हूँ, तो ऑब्जेक्ट रिक्वायर कर रहा है। काउंट इक्वल टू 1 माइनस 1, सही तो है। ये आ गया था, एक एग्जांपल यहाँ लगा सकते हैं। इफ नॉट, एक आता है सीबी डुप्लीकेट, मैं कहीं गलती कर रहा हूँ, मुझे ध्यान पता नहीं चला कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ। इसे कुछ मिलने वाला है यहीं पे, मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू हुआ मी डॉट लिस्ट बॉक्स 2 डॉट लिस्ट, चला इसकी लिस्ट यहाँ पे आई, आई में 0। Then beep and exit serve and if next line कोड सही है, बट पता नहीं कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, किस तरह से इसी प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ भी, अरे हाँ गलत तरीके, यहाँ वैल्यू नहीं डलेगा। यार रात हो गया ना, सुबह से क्लास लेते लेते दिमाग खराब हो गया। हाँ अब चलिए, अब एरर नहीं है, आंखों के सामने बड़ा पता नहीं चल रहा। तो कोड समझिए क्या है, हमने ए सी भी डुप्लीकेट जो लगाया, इसको लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, ये ऐसे वर्क भी नहीं करता है। सबसे पहले मैं चेक किया कि मी डॉट लिस्ट बॉक्स डॉट लिस्ट इंडेक्स इक्वल टू -1। क्या होता है कि जब भी आप यहाँ पे यूजर फॉर्म को प्ले करते हैं, आप कोई भी वैल्यू मैंने सिलेक्ट नहीं किया है, तो इसका लिस्ट इंडेक्स जो होता है वो -1 होता है। जब कुछ सिलेक्ट कर लेते हैं तो 0, जितना सिलेक्ट करेंगे 0, 1, 2, 3 इस तरह से बढ़ता रहता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे पहला कोड दिया कि मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1 डॉट लिस्ट इंडेक्स इक्वल टू -1 है, तो यहीं से एग्जिट सब हो जाओ, क्योंकि कोई सिलेक्ट ही नहीं किया तो आगे करने की जरूरत क्या है। क्लियर है, पहला लाइन समझ में आ गया। अब बात करते हैं दूसरे लाइन की। दूसरा लाइन है कि 4 आई, पहले मुझे चेक करना होगा कि क्या ये जो हम ऐड कर रहे हैं, क्योंकि मैं इसको भी ना भी डालूं तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट हम ऐड कर सकते हैं, क्या होगा डुप्लीकेट्स आएंगे। अगर इस कोड को मैं हटा देता हूं, इसको मैं कट कर दूं, तो आप देखेंगे कि हम इसको ऐड आसानी से कर रहे हैं, लेकिन क्या होगा कि फिर फरवरी रिपीट हो जा रहा है, रिपीट हो रहा है ना। तो
फरवरी मेरा रिपीट ना हो, इसके लिए हमने कोट किया कि फोर आई जीरो टू चले लिस्ट बॉक्स डू लिस्ट काउंट माइनस वन एक कम था, और हर चेक करे लिस्ट बॉक्स वैल्यू को चेक करे इसमें लिस्ट बॉक्स टू की एक एक वैल्यू के ऊपर, अगर मिलता है तो बीप का साउंड दे, ये बीप का साउंड देगा टू टू का जो होता है ना वो, और सब्जेक्ट को एग्जिट करे, अगर एक भी नहीं मिला तो फिर इसको ऐड करे। ये कोड तभी वर्क करेगा जब किसी में भी उसको डुप्लीकेशन नहीं मिलेगी। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा होगा कि अगर हम जनवरी डाल दिए और फिर वापस जैन डालेंगे तो एक बीप की आवाज आ रही है, बीप की आवाज आएगी, वो ऐड नहीं होगा, ठीक है। और रिमूव करने के लिए कि मैं सिलेक्ट करके रिमूव करूं, तो रिमूव करने के लिए सिंपल सा कोड डलेगा यहाँ पे, ये पहला तो ये करना ही पड़ेगा, और यहां पे आपका लिस्ट बॉक्स वन के जगह पे टू हो जाएगा, ताकि सिलेक्शन ना हो तो फिर वर्क ना करे, वो डायर करेगा। और यहां होगा लिस्ट नी डॉट लिस्ट बॉक्स टू डॉट रिमूव करके आता है, रिमूव आइटम एड आइटम होता है, उसे बोलते रिमूव आइटम होता है, किसको करना है, नी डॉट लिस्ट बॉक्स टू डॉट वैल्यू, ठीक है। अब जैसे कि मैंने यहां पे जैन यहां लिखा, इसको सिलेक्ट करके वापस इसको हटा, एक मिनट, फिर से वैल्यू लगाया। अच्छा, लिस्ट बॉक्स टू डॉट लिस्ट इंडेक्स होगा यहां पे, माफ कीजिएगा, वैल्यू नहीं होगा, मी डॉट लिस्ट बॉक्स टू एंड इफ कर दो, लिस्ट इंडेक्स एंड इफ कर दो, एंड इफ, एंड इफ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक सिंगल लाइन लिखा है ना, ऐड किया और इसको सेलेक्ट करके हम इसको रिमूव कर, हो गया। तो ये फाइल मैं आपको भेज रहा हूं, अभी क्या है आपको करना है क्या, इसमें देखिए, इसमें करना यह है कि मैं एक बार में एक ही डेटा को ऐड कर पा रहा हूं, मैं चाहता हूं कि यहां से मैं दो तीन सेलेक्ट करूं और दो तीन को ऐड करूं तो यहां पे ऐड हो जाए, और दो तीन को सिलेक्ट करूं रिमूव तो रिमूव हो जाए, ठीक है। तो यूजर फॉर्म में आपको मल्टी सिलेक्शन लिस्ट बॉक्स मेथड को अप्लाई करना है। सर, तो इसके बाद ये जो ड्रैग कर रहे हैं हम, तो इसमें कॉपी भी होगा, अगर वो वाला कोड जो आपने बताया कॉपी का वो डालने पे? हाँ, क्यों नहीं होगा, कोड जो कोड आप डालोगे वहां करेगा ना, कॉपी करने का लोकेशन चलेंगे डालोगे। सर, वो लिंक भेज दो सर, मुझे मिल नहीं रहा है वो जो वीडियो आप जहाँ अपलोड कर रहे हो वो लिंक भेज दो सर, बड़ा दिक्कत हो रहा है मुझे। कल का फाइल भी मुझे मेल करो, वीडियो भी अपलोड नहीं। एक मिनट, क्या बोल रहा है, एक ही करके बोलिए ना। वो मेगा लिंक भेज दो, मुझे नहीं मिला है लिंक, मेरे मेल पे नहीं आया। और दूसरा, मुझे भी वीडियो वाला लिंक भेज देना, वीडियो नहीं मिल रहा सर क्लासेस का। और ठीक है, मैं सबको कल का फाइल, कल का फाइल, हाँ कल का फाइल। अच्छा, उससे पहले का इसका क्या बोलते हैं, हमने जो रेडिफ कंट्रोल बताया था उसकी बोल रहे हैं आप? हाँ हाँ, मुझे मार्क नहीं किया सर, ठीक है, मैं अभी कर देता हूँ, ठीक है सर। आज वाला वीडियो अपलोड कर दीजिएगा, लास्ट डे वाला भी, अभी तक मेगा पे भी अपलोड नहीं हुआ, बेसिकली वो कन्वर्ट होने में तो टाइम लग रहा है, ये कन्वर्शन चल ही रही है। मेगा वाला कैसे ओपन करते, कुछ दिखा दोगे आपको ऐसे ओपन करते हुए? मेगा डॉट एनजेड के रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है, साइन अप करना। आप लिंक सेंड करो, फिर मैं रजिस्ट्रेशन करता हूँ, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के लिए वही यूजर आईडी पासवर्ड मेरा, वही जो ईमेल आईडी है ना। कल मुझे कल सुबह में मुझे फोन कीजिएगा, अभी तो लॉगिन नहीं कर सकता, लॉग आउट हो रखा हूँ मैं, तो मैं आपको भेज दूंगा, एक बार व्हाट्सएप पे मार्क कर दीजिएगा, मैं भेज दूंगा। आज मैं सर आपको कॉल कर लूंगा, ठीक है। आज की फाइल मैंने सर कितने के बजे कॉल करें सर? 7 बजे के बाद कभी भी आप कॉल कर लो ना, 7 बजे तो बढ़िया, तो अप्लाई करने के लिए।
ठीक है। ड्रैग वाले को क्या कहते हैं, ड्रैग वाले ही बोलते हैं, ड्रैग सिलेक्शन बोलते हैं। हाँ, और डिपेंडिंग कॉम्बो बॉक्स वाली वीडियो मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दी है, चाहो तो ऐसे